किसी भी डीएसएलआर या मिररलेस कैमरा का सबसे इंपॉर्टेंट और एक्सपेंसिव पार्ट होता है लेंस अ कैमरा विदाउट अ लेंस इज यूजलेस टू अ फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर लेंस ही एकमात्र ऐसा उपकरण है जिसके जरिए लाइट कैमरा सेंसर तक पहुंचती है दोस्तों एक बात नोट करने की यह है कि हाई क्वालिटी लेंस से आप शार्प वीडियो कैप्चर कर सकते हैं इवन विद एन एंट्री लेवल कैमरा और एक लो लाइट लेंस अगर आप अपने प्रोफेशनल कैमरा में यूज़ कर रहे हैं तो आपको अच्छी क्वालिटी नहीं मिलेगी एक अच्छे कैमरे के साथ एक अच्छा लेंस होना काफ़ी मैटर करता है तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे कैमरा लेंस में कौन कौन से पार्ट होते हैं कैमरा लेंस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं बेसिक टाइप्स ऑफ कैमरा लेंस कौन से हैं और आपको कोई भी लेंस खरीदने से पहले क्या कंसीडर करना है हम उस पर भी चर्चा करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं कि लेंस में जनरली कौन कौन से पार्ट होते हैं लेंस कैप यह आपके लेंस को स्क्रैचेस, डस्ट और टूटने से बचाता है फिल्टर थ्रेड या जिसे फिल्टरिंग भी बोलते हैं ये थ्रेडेड सेक्शन होता है लेंस के आगे जिसके आगे आप लेंस फिल्टर लगा सकते हैं टू अचीव सर्टेन इफेक्ट्स फोकसिंग रिंग इससे आप अपने सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं जूम रिंग अगर आप जूम लेंस यूज कर रहे हैं तो आपको जूम रिंग भी मिलती है इसके अलावा आपको ऑटो और मैनुअल फोकस करने के लिए स्विच मिलता है कई लेंसेज में आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन मिलता है जिसको आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं इसके अलावा लेंस माउंट होता है जिसके थ्रू आप लेंस को कैमरा में अटैच करते हैं हर कंपनी का माउंट अलग होता है इसके अलावा दोस्तों लेंस हुड होता है जो आपके कैमरे को प्रोटेक्ट करता है और साथ में ही अगर आप सनलाइट में शूट कर रहे हैं तो वो आपके लेंस को डायरेक्ट सनलाइट से भी बचाता है अब बात करते हैं कैमरा लेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स की सबसे पहले बात करते हैं फोकल लेंथ के बारे में लेंस के भीतर प्रकाश जहां कर मिलता है वहां से कैमरा सेंसर की दूरी को ही फोकल लेंथ कहते हैं उदाहरण के तौर पर कम फोकल लेंथ जैसे 24 फोर mm को वाइड एंगल कहते हैं और अधिक फोकल लेंथ जैसे 100 हंड्रेड mm को टेलीफोटो कहते हैं यह संख्या एक तरह से किसी लेंस का मैग्निफिकेशन भी बताती है फोकल लेंथ की संख्या जितनी अधिक होगी उतना ही जूम हमें मिलेगा और हमारा फील्ड ऑफ व्यू उतना ही छोटा होता जाएगा और फोकल लेंथ जितना छोटा होता जाएगा उतना ही हमारा फील्ड ऑफ व्यू चौड़ा यानी कि वाइड होता जाएगा दूसरा अपर्चर अपर्चर हमारे एक्सपोजर को इफेक्ट करता है अपर्चर लेंस के भीतर का एक होल होता है जिसके थ्रू लाइट कैमरा के अंदर जाती है जितना ज्यादा अपर्चर ओपन होगा उतनी लाइट अंदर जाएगी और जितना छोटा है उतनी लाइट कम जाएगी अपर्चर को हम एफ स्टॉप या एफ नंबर से मेजर करते हैं एफ स्टॉप आर काउंटर मतलब जितना ज्यादा एफ नंबर होगा उतनी स्मॉल अपर्चर की ओपनिंग होगी जैसे एफ टू पॉइंट एट में दोगुनी लाइट कैमरा में आएगी एज कंपेयर टू एफ फोर मैक्सिमम अपर्चर किसी भी लेंस का मैक्सिमम अपर्चर इंडिकेट करता है कि अपर्चर की मैक्सिमम ओपनिंग कितनी होगी जितना ज्यादा मैक्सिमम अपर्चर होगा किसी लेंस का उसका कॉस्ट जनरली ज्यादा होता है डेप्थ ऑफ़ फील्ड, अपर्चर हमारे डेप्थ ऑफ़ फील्ड को भी इफेक्ट करता है डेप्थ ऑफ़ फील्ड और अपर्चर को और डिटेल में हम आगे के लेक्चर्स में जानेंगे अब बात करते हैं लेंसेस के टाइप के बारे में देयर आर टू बेसिक कैटेगरी ऑफ कैमरा लेंसेस पहला है प्राइम दूसरा है जूम तो प्राइम लेंसेस क्या होते हैं इनका फोकल लेंथ फिक्स्ड रहता है मेकिंग देम फास्टर एंड शार्पर इन लेंसस का यूज अगर आप वीडियो के लिए करते हैं तो आपकी वीडियो ज्यादा क्लियर और शार्प दिखेगी इसके अलावा शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड अगर आपको अपनी वीडियो में चाहिए तो ये लेंस काफी यूजफुल होते हैं ये जनरली फास्ट और लाइटवेट होते हैं बट दीज लेंसस आर लेस फ्लेक्सिबल ड्यू टू द फिक्स्ड फोकल लेंथ इसमें आप Zoom नहीं कर सकते जैसे 50 एम एम थर्टी फाइव एम एम एटी फाइव एम एम इन लेंसेज में आपको मैक्सिमम अपर्चर ओपनिंग भी मिलती है अब बात करते हैं जूम लेंस के बारे में इन लेंसेज में आपको डिफरेंट फोकल लेंथ मिलती है फ्रॉम अ सिंगल लेंस जिससे आपको फ्लेक्सीबिलिटी मिलती है और जनरली ये लेंसेज प्राइम लेंसेस के कंपेरिजन में इतने फास्ट नहीं होते और ये जनरली प्राइम लेंसेज से ज्यादा बड़े और हेवी भी होते हैं एग्जाम्पल एटीन वन थर्टी फाइव एम एम सेवेंटी टू हंड्रेड एम एम दोस्तों दो कैमरा लेंसेज के अंदर आपको वराइटी ऑफ लेंसेज मिलते हैं all with different focal जैसे स्टैंडर्ड लेंस जनरली फिफ्टी एम एम लेंस स्टैंडर्ड कंसिडर किया जाता है फुल फ्रेम कैमरा के लिए इन लेंस से आपको ऐसी फुटेज मिलती है जैसे आप अपनी आंखों से देखते हैं थर्टी फाइव एम एम या फॉर्मेट में फिफ्टी एम एम से नीचे वाइड एंगल और उसके ऊपर टेलीफोटो होता है टेलीफोटो लेंसेज इनका लॉन्गर फोकल लेंथ होता है टेलीफोटो लेंस को यूज करके आप डिस्टेंस सीन या सब्जेक्ट को क्लोज ला सकते हैं दीज टाइप्स ऑफ लेंसेज आर ग्रेट फॉर आइसोलेटिंग सब्जेक्ट दैट इज फार अवे ये प्राइम और जूम दोनों वैरायटी में अवेलेबल होते हैं ये लेंस डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट करते हैं और इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं शॉर्ट टेलीफोटो रेंजेस फ्रॉम एटी फाइव एम एम टू वन थर्टी फाइव एम एम दे आर ग्रेट फॉर एवरी डे यूज एज दे आर कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट मीडियम टेलीफोटो रेंजेस फ्रॉम वन थर्टी फाइव एम एम टू थ्री हंड्रेड एम एम ये जनरली बड़े लंबे और हेवी होते हैं सुपर टेलीफोटो विथ फोकल लेंस गोइंग बियॉन्ड थ्री हंड्रेड एम एम This type टाइप ऑफ टेलीफोटो लेंस ऑफर टेलीस्कोप लाइक मैग्निफिकेशन एंड आर टू हेवी फॉर हैंडल जितना ज्यादा उतनी dark आपकी video आएगी इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कुछ हाई एंड टेलीफोटो लेंसेज में आपको मैक्सिम अपर्चर मिलता है जिससे ज्यादा लाइट आपके कैमरे में एंटर हो सके इन लेंसेज को आप स्पोर्ट्स में वाइल्ड लाइफ में बर्ड फोटोग्राफी में वेडिंग में पोर्ट्रेट शूट करने के लिए यूज कर सकते हैं lens, है। mm उससे ब्लो को हम वाइड एंगल कंसिडर करते हैं वेयर द फील्ड ऑफ व्यू स्टार्ट बिकमिंग वाइडर देन वॉट नॉर्मल ऑफ जब भी आपको लार्ज एरिया को अपने फ्रेम में फिट करना हो तो ये लेंसेज आइडियल होते हैं अगर आपको लैंडस्केप या फिर कोई मॉन्यूमेंट शूट करना है तो वाइड एंगल लेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाइड एंगल में ऑलमोस्ट सब कुछ फोकस में रहता है अनलेस योर सब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू द लेंस ये भी प्राइम और जूम दोनों में अवेलेबल होते हैं जैसे थर्टी फाइव एम एम सिक्सटीन थर्टी फाइव एमएम फिशाइल लेंस ये अल्ट्रा वाइड लेंस होते हैं दैट कैन टेक इन अ फुल फुलटी डिग्री रेडियस अराउंड इट ये छोटे और लाइट वेट होते हैं एंड शोज आर डिस्टॉर्टेड spherical व्यू ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट एविडेंट इन द curved आउटर corners ऑफ द वीडियो known as द फिशाइन इफेक्ट ये लेंसेज आपके वीडियो को काफी ज्यादा क्रिएटिव करते हैं अगर आप इनको सही तरीके से यूज करें इन लेंसेज से लार्ज डेप्थ ऑफ फील्ड मिलता है और ये काफी क्लोज से भी सब्जेक्ट को फोकस कर लेते हैं यह भी प्राइम और जूम दोनों में अवेलेबल है जैसे एट एमएम mm या 8 टू फिफ्टीन एम एम मैक्रोलेंस A macro lens is a dedicated camera lens डेडिकेटेड कैमरा लेंस optimized to ऑप्टिकली extremely टू हैंडल एक्सट्रीमली क्लोज फोकसिंग डिस्टेंस एंड कैन टेक images or और of ऑफ माइक्रोस्कोपिक इनका जो मैग्निफिकेशन रेशियो होता है वो वन रेशियो वन होता है और इनका जो मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस होता है वो ट्वेल्व inches या उससे कम होता है इस लेंस की मदद से आप लिविंग ऑर्गेनिजम जैसे इंसेक्स को शूट कर सकते हैं आप बहुत छोटे सब्जेक्ट्स को शूट कर सकते हैं इसमें क्या होता है दोस्तों सब्जेक्ट आपके वीडियो में ग्रेटर दिखता है इस लेंसेज में आपको 85 फाइव mm एम या हंड्रेड एम mm एम लेंसेस मिल जाते हैं इसके अलावा दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको कंसीडर करने चाहिए कोई भी लेंस खरीदने से पहले सबसे पहले कॉस्ट लेंसेज की कॉस्ट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है अगर आपके पास उतना बजट नहीं है तो आप शुरू में एक अच्छा जूम लेंस ले सकते हैं फॉर एग्जाम्पल ट्वेंटी आप चौबीस एक सौ पांच यूज कर सकते हैं फुल फ्रेम कैमरा के लिए दे बोथ आर ए वर्क हाउस वेल इन अ वैरायटी ऑफ सिचुएशंस ये बेसिक किट लेंस भी कहलाता है जो आपको अपने कैमरा के साथ मिलता है शुरू में अगर आप वीडियो शूट करते हैं तो ये लेंसेस काफी ज्यादा अच्छे हैं आपकी स्टार्टिंग के लिए दूसरा जो फैक्टर है वो है साइज एंड वेट आपको ये देखना है कि लेंस कितना हैवी या बड़ा है जनरली लार्ज टेलीफोटो लेंस का वेट काफी ज्यादा होता है लगभग दस पाउंड जितना अगर आपको सिंपली वेकेशन के लिए वीडियो शूट करना है तो आप कॉम्पैक्ट लेंस को खरीद सकते हैं लेकिन अगर आप एक वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर या ट्रैवल फिल्म मेकर तो टेलीफोटो लेंस आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर कैप्चरिंग दो रेयर शॉर्ट फ्रॉम अफार इसके अलावा एडिशनल फीचर होते हैं कई लेंसेज में जैसे आपको इमेज स्टेबिलाईजेशन के लिए स्विच मिलता है इसके अलावा कई लेंसेज काफी ज्यादा फास्ट होते हैं एज कम्पेयर टू अदर लेंसेज जिससे कि आप क्विकली अपने सब्जेक्ट को फोकस कर सकते हैं कंपेटेबिलिटी नॉट ऑल लेंसेज वर्क विद एवरी ब्रांड और मॉडल ऑफ कैमरा फॉर एग्जाम्पल निकॉन का लेंस आपके कैनन या सोनी के कैमरा में वर्क नहीं करेगा वो कर सकता है अगर आप एडेप्टर यूज करें और अगर आप एडेप्टर भी यूज कर रहे हैं